18 न्यूज चैनल अप नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। पीएम मोदी के नए भारत में भी एक दलित के साथ दिल दहला देने वाली घटना इटावा के ग्राम नगला दलप थाना एक दिल का मामला है। 26 तारीख को दलप गांव का निवासी शक्तिमान उर्फ 16 वर्ष पुत्र दिनेश बाबू दोपहर के समय अपनी मां राजेश्वरी को खेतों में ढूंढने निकला था, तो रास्ते में मनिया माऊ एक दिल में न्यू खलसा होटल के मालिक ने अपने वर्कर की कमी के चलते उस वक्त लड़के को बहला फुसला कर काम करने को उकसाया और जबरन तंदूर पर काम करवाया। जब उस लड़के से काम नहीं हुआ और तंदूर से जल गया तो उस लड़के ने काम करने को मना किया, तो गुस्से में होटल मालिक ने उसे तेजाब फेंक कर जला दिया और तंदूर की गर्म सरिया से 16 वर्षीय लड़के पर वार किया, जिससे लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस एसओ समीर सिंह ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और अस्पताल में लड़के को मां के कार्रवाई का आश्वासन देकर घर भेजने के बाद उन तीनों को रिहा कर दिया और दलित परिवार ने खुद ही अपने बेटे को जलाने की कहानी लिखकर मामले को दबा दिया। इसके चलते एक दलित परिवार ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। जब देखना यह है कि पीएम मोदी के नए भारत में दलित परिवार का उत्पीड़न रुकता है या नहीं और इटावा एसएसपी क्या अपराधी क्या कार्रवाई करते हैं। ये बताइए, जो आपका बेटा है इसके साथ ये क्या हुआ था, इस तरह से जो जले हैं? मेरा बेटा मुझे ढूंढने मजदूरी करता था, मेरा बेटा मैं ढूंढता था, ने पकड़ लिया कि बर्तन भी माँ झाड़ू पोछा कर, ये घर पे नहीं करता तो वहाँ क्यों करेगा, तो उसने पकड़ लिया उसको तंदूर वाले ने, किसी ने उसको सरिया मार दिया सारे, जब भागा है उसको तेजा भी जला दिया, डर दिया, फिर मुझे जनता ने भी खबर करी है। तो आप वहाँ पहुँची थी, आपने अपने बेटे की कैसी हालत देखी थी, क्या बुरी हालत में देखो, बुरी हालत, क्या हो गया था, जल गए थे क्या? नहीं तो जलो बाबा, हमने इसने पकड़ा है। अच्छा, ये बताओ जब ये घटना हुई थी आपने पुलिस को फोन किया था? फोन किया था, पुलिस ने फोटो भी उतार रही है। पुलिस ने किसी लोगों को गिरफ्तार किया था जो वहाँ? 3 लोगों को। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने? उसने हमको भेज दिया, हम कह रहे थे मैं थाने जाऊंगा। पुलिस वाले ने चोरावारी एम्बुलेंस में मुझे छोड़ दिया, धमका के आप ले जाइए अपने बच्चे। जो लोग पकड़े गए थे उनके साथ पुलिस ने क्या किया है? हमें भाई मालूम नहीं, छोड़ दिया। इतना पुलिस द्वारा आपको धमकाया भी जा रहा है क्या? क्या हमारे हम माँ बने पापा बने तो मेरे बच्चों को क्यों दोष लगाते हैं? प्राइम 18 न्यूज के लिए इटावा से करण कुमार की रिपोर्ट।